बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्मोडायनेमिक्स में वो बेसिकली क्या होती है? थर्मोडायनेमिक्स सबसे पहले कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद द फिनोमेना ऑफ एनर्जी रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। और जो बेसिक काम होता है थर्मोडायनेमिक्स का वो क्या होता है, स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है थर्मोडायनेमिक्स में फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होता है कि हम यूजफुल जो एनर्जी होती है उसको वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं, यूजफुल जो हीट होती है उसको वर्क डन में कन्वर्ट करते हैं। अब जहाँ वर्ड आए यूजफुल, यूजफुल का मतलब होता है कि ऐसी एनर्जी जिसको हम वर्क डन में कन्वर्ट कर सकें, ठीक है जी। सो उसको हम यूजफुल हीट का या यूजफुल एनर्जी का नाम दे रहे होते हैं। अब देखो, सबसे पहले हमें डिफरेंस पता होना चाहिए हीट और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस है। कहता है जी कि ये जो हीट है ना, हीट इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है, इसको आपने नोट करना है। ये वाला जो है, हीट जो है वो इज नॉट अ स्टेट वेरिएबल। इसका क्या मतलब है? स्टेट वेरिएबल जो है वो क्या होते हैं, सबसे पहले इसको भी हम देख लेते हैं। देखो, स्टेट वेरिएबल जैसे इंटरनल एनर्जी जो है, हम कहते हैं वो स्टेट वेरिएबल है, डेट डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जैसे हम चैप्टर नंबर 4 में हमने यूनिट को जो आपका पढ़ा था, वर्क एनर्जी वाला 3 जो है, यूनिट 3, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स है, डेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। तो हम कहते थे वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, उसको हम स्टेट वे तो वेरिएबल कहते हैं। तो इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल है, ठीक है जी। इसी तरह से प्रेशर, वॉल्यूम, ये सारे स्टेट पैरामीटर्स हैं, ये स्टेट वेरिएबल्स हैं, लेकिन हीट जो है ये स्टेट वेरिएबल नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है इंफॉर्मेशन के लिए, आपने इस वाले मल्टीपल चॉइस को आपने जो है वो याद रखना, ठीक हो गया। फिर हीट होती क्या है जी? हीट कहते हैं कि इज एनर्जी इन ट्रांजिट। अगर सिंगल 3 4 लफ्जों में हमें हीट को डिफाइन करना हो तो हम कहते हैं हीट इज एनर्जी जो है वो ट्रांजिट। एनर्जी इन ट्रांजिट का मतलब हरकत करती हुई एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम ए है और अनदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है दैट इज बी। तो अगर जो है वो ए का टेम्परेचर बी से ज्यादा है तो हीट जो है, जहाँ एनर्जी जो है वो विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी। तो जब एनर्जी फ्लो कर रही होती है, ट्रांजिट का मतलब होता है हरकत में, तो जब एनर्जी जो है वो हरकत में होती है, मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जा रही होती है, वन थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है ए टू अनदर थर्मोडायनेमिक सिस्टम जा रही होती है, तो तब जो है वो किस फॉर्म में उसने फ्लो करना है? हीट की फॉर्म में उसने फ्लो करना है, ठीक है जी। सो याद रखना है कि यहाँ पर जो हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हीट का क्या मतलब होता है? एनर्जी इन ट्रांजिट, यानी कि जब एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रही होती है, जब एनर्जी फ्लो कर रही हो तब जो है वो हीट की फॉर्म में फ्लो करती है। द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम रीजन टू कहता है अनदर रीजन एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो एक जो सिस्टम है हाई टेम्परेचर पे है, दूसरा लो टेम्परेचर पे है, तब जो है वो हीट जो है वो फ्लो करेगी। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं कॉजेस की, तो कहते हैं जब या चेंज इन स्टेट जो है वो, ये हीट जो है वो क्या क्या लेके आ सकती है? चेंज इन स्टेट लेके आ सकती है, अगर किसी सिस्टम में हीट ऐड कर रहे हो आप तो वो बॉइलिंग पॉइंट पे भी जा सकता है, मेल्टिंग पे भी जा सकता है, अगर हीट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो फ्रीजिंग भी पॉइंट पे भी जा सकता है। इसी तरह से जब हीट किसी जिस सिस्टम में ट्रांसफर होती है या उससे बाहर निकलती है, तो कहते हैं जी कि चेंज इन टेम्परेचर विद आउट द चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, जैसे हीट कैपेसिटी है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है जी। तो ये इसकी वजह से चेंज आते हैं। अब ये विदाउट द चेंज इन स्टेट का क्या मतलब है? देखो, फॉर एग्जाम्पल, आप एक आपके पास कंटेनर है, उसमें एक मिल्क है या कोई अदर जो है वो सब्सटेंस आपने रखा हुआ है, आप उसको तेजी से शेक करते हो, तो हीट ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुई ना, हीट बाहर आई सिस्टम के ना सिस्टम के अंदर गई, जिसको हम कहते हैं कि एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में भी जो है वो एडियाबैटिक कंप्रेशन हो, टेम्परेचर बढ़ जाता है, एडियाबैटिक जो है वो अगर जो है उसमें से जो है वो एडियाबैटिक जो है एक्सपेंशन हो, टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। सो ये जो है वो हीट है जी। अच्छा, हम टेम्परेचर की बात करते हैं। टेम्परेचर हम दो बॉडीज को कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, कि एक बॉडी जो है वो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस का मतलब है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी जो है वो डिफरेंस हम देखते हैं, कंपैरिजन से देखते हैं कि अगर जो है वो एक बॉडी हाई टेम्परेचर पे है या दूसरी जो है वो लो टेम्परेचर पे है।
सो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस टेम्परेचर बोल देते हैं। टेम्परेचर स्केल्स जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको रिवाइज करना भी जरूरी है। और उसकी रीजन क्या है कि चूंकि ये डिफरेंट टॉपिक्स में को रिलेट कर सकते हैं, हमारे डिफरेंट काम आ सकते हैं। हालांकि सिलेबस में डायरेक्टली तो नहीं उसने कहा इनको रिवाइज करो, लेकिन हमें इनको रिवाइज कर लेना चाहिए। अच्छा जी, बॉइलिंग पॉइंट, अब तीन तरह के आपके पास स्केल हैं, कौन कौन से? डिग्री सेल्सियस स्केल, फॉरनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। अच्छा, इनको कंपेयर करते हैं। ये वाला जो है फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 0। फॉरनहाइट स्केल पे कितना होता है? 32। और जो आपके पास केल्विन स्केल होता है, यहाँ 273.15, ये मैंने एग्जैक्ट वैल्यू लिखी है। जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो आमतौर पे हम 273 ही वैल्यू यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो मैंने 273.15 जो लिखा है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी। अच्छा जी, इसी तरह से जो बॉइलिंग पॉइंट है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस, फॉरनहाइट में जो है वो 212 होगा, केल्विन में 373.15 केल्विन होता है। इसमें जो नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं डिग्री सेल्सियस स्केल पे वो 100 होते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन जो फॉरनहाइट स्केल पे है वहाँ 180 होते हैं, नंबर ऑफ डिवीजन जो केल्विन स्केल है इसमें भी 100 होते हैं। जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फॉरनहाइट पे यही वाला जो है वो 98.6 डिग्री फॉरनहाइट आता है, केल्विन में ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर देखें तो 310 आता है। अच्छा, यहाँ एक और पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, जस्ट अबव द 273.15 केल्विन के ऊपर जो है एक पॉइंट होता है 273.16 केल्विन, इसको हम ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है? एट दिस पॉइंट वाटर कैन एग्जिस्ट इन इट्स थ्री स्टेट, दैट इज सॉलिड लिक्विड एंड गैस, उस फॉर्म में जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। 0 केल्विन का सबको पता है, इसको हम एब्सोल्यूट जीरो भी बोलते हैं। और एब्सोल्यूट जीरो जो है अगर फॉरनहाइट स्केल में देखें तो ये -460 फॉरनहाइट आता है, अगर हम डिग्री सेल्सियस स्केल में देखें तो -273 डिग्री सेल्सियस आता है। ये कंपैरिजन याद रखना है, बेसिक इंफॉर्मेशन जो है। डिग्री सेल्सियस में जो है फ्रीजिंग पॉइंट 0 से लेकर जो है स्केल जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है, फॉरनहाइट में 32 से 212 तक, केल्विन में 273.15 से 373.15 होता है। इसमें नंबर ऑफ डिवीजंस 100 होती है डिग्री सेल्सियस में, फॉरनहाइट में 180 और केल्विन में 100। अच्छा, अब आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट जो है इसमें इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। हमें ना दो तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं, जिनमें ये जो है वो अक्सर जो है वो हमें कहा जाता है कि टेम्परेचर जो है वो कन्वर्ट करके बताएं, कन्वर्जन जो है जिसको हम कहते हैं टेम्परेचर कन्वर्जन। तो एक तो हमें कन्वर्जन आ सकती है, दूसरा क्वेश्चन आते हैं कंपेरिजन वाले, दोनों में जो है वो आपने डिफरेंस अच्छे से नोट करना है। सबसे पहले जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर स्केल्स की बात करें तो आपने वो जो फॉर्मूला जो आपने रटे लगाए हुए हैं टेम्परेचर कन्वर्जन वाले फॉर्मूले, उसकी बजाय आपने एक सिंपल जो है वो फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा फॉर्मूला जरा गौर से देखिएगा, वो फॉर्मूला है जो हमारे पास होता है कोई भी टेम्परेचर आपके पास जो है वो टेम्परेचर स्केल फॉर्मूला होता है जी, टेम्परेचर स्केल उसका माइनस जो है वो कहता है क्या आएगा, उसका आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, उस स्केल का, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो कहता है जी डिवाइडेड बाय क्या आनी है उसकी, नंबर ऑफ डिविजन्स। ये आपके पास सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने याद रखना है। फॉर्मूला क्या है? टेम्परेचर स्केल, उसके बाद क्या आना है जी, माइनस इसमें से आपने करना है क्या, आइस पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स, ये वाला आपके पास फॉर्मूला है। जैसे यहाँ गौर करो तो मैंने डिग्री सेल्सियस जो है स्केल स्टार्ट कहाँ से होता है? 0 से, यानी इसका आइस पॉइंट 0 है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है? 100। फॉरनहाइट स्केल जो है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? 32 फॉरनहाइट से इसका आइस पॉइंट है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट है, नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं? 180। और केल्विन स्केल जो है -273, 273 से स्टार्ट होता है ना, देखो वहां वैल्यू मैंने लिखी है 273.15, तो एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो यहाँ पर कैलकुलेशन में आमतौर पर ये वैल्यू इग्नोर कर देते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, तो यहाँ 273 आएगा डिवाइडेड बाय 100। या अब इनमें से किसी भी दो को आप इक्वेट कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कंपेयर करना चाह रहे हैं डिग्री सेल्सियस को और फॉरनहाइट स्केल को, तो डिग्री सेल्सियस माइनस जो है वो क्या, 0 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू फॉरनहाइट -32/100। अब रीअरेंज करो, यहाँ से देखें डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 100/180, 5/9 इंटू
फॉरनहाइट माइनस 32, यही वाला फॉर्मूला आपने याद किया हुआ था ना, जब हम फॉरनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। और इसी तरह से अदर 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 रिलेशन भी यहाँ से निकल सकते हैं, जैसे जी यहाँ से आप जो है वो फॉरनहाइट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो 9/5 टाइम्स डिग्री सेल्सियस प्लस जो है वो 32 हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरह से इसको केल्विन को भी इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, केल्विन स्केल को आप फॉरनहाइट जो है उससे कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसी कोई भी फॉर्मूला आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो इस वाले बेसिक फॉर्मूले से। तो बेहतर है कि आप वो जो फॉर्मूले हमको रटा लगाने की बजाय कन्वर्जन वाले, आप इनको 2-3 दफा प्रैक्टिस करेंगे, आपको याद हो जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन जो है ये तो है जी वो जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल आपको कहा जाए कि ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस केल्विन में क्या होगा, तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 डिग्री सेल्सियस की जगह 37 आ जाएगा, आपके पास 310 आंसर आ जाएगा। सो ये कन्वर्जन वाले हैं। अच्छा, इसके बाद जो है वो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन जो है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है आप समझते हैं वो कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन है, टेम्परेचर कन्वर्जन वाला है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। जरा इसकी ना गौर करें वर्डिंग के ऊपर, कहते हैं इफ रीडिंग ऑन डिग्री सेल्सियस स्केल चेंजेस बाय 45 व्हाट विल बी द चेंज ऑन फॉरनहाइट स्केल, इसके ऊपर कहते हैं जी कितना जो है वो चेंज होगा फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि वो डिग्री सेल्सियस और फॉरनहाइट वाला फॉर्मूला लगाएंगे और वो यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करेंगे, फॉरनहाइट स्केल इज इक्वल टू ये वाला फॉर्मूला जिसमें फॉरनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 करेंगे, उनका आंसर बाद 113 आ जाएगा, लेकिन डेट इज द रॉन्ग आंसर और उसमें जो है वो आपका आंसर ठीक नहीं आ रहा। अब क्यों? क्योंकि ये कंपेरिजन वाला क्वेश्चन है, ये आपका कन्वर्जन वाला क्वेश्चन नहीं है। अब कंपेरिजन क्या, कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कंपैरिजन वाला है कौन सा कन्वर्जन वाला है? जिसमें आपसे कहा जाए कि टेम्परेचर कन्वर्ट करेंगे, बताएंगे टेम्परेचर अगर 45 है तो फॉरनहाइट में ये टेम्परेचर कितना होगा, तो वो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन है। लेकिन जहां भी वर्ड आए टेम्परेचर चेंज, कि एक स्केल के ऊपर इतना चेंज आ रहा है तो बताएं दूसरे स्केल के ऊपर कितना चेंज आएगा, तो जब भी वर्ड चेंज यूज करे आपने समझ जाना है कि वो कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है, वो कन्वर्जन वाला क्वेश्चन नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर 100 डिग्री सेल्सियस चेंज होंगे डिग्री सेल्सियस स्केल के ऊपर, तो फॉरनहाइट के ऊपर कितना चेंज आएगा, 180 का चेंज आएगा, और केल्विन के ऊपर भी कितना आएगा, 100 का चेंज आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ अगर 1 डिग्री सेल्सियस चेंज आएगा सेल्सियस स्केल के ऊपर, तो फॉरनहाइट के ऊपर 9/5 टाइम्स का चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि 100 उधर जाकर डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है के वन चेंज इन 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू जो है वो 1 केल्विन। अब केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में जो है वो चेंज सेम होता है, क्योंकि इधर भी 100 चेंज आ रहा है, इधर भी 100 चेंज आ गया, 100 से क्या हो गया, कैंसिल आउट। इसी तरह से केल्विन और फॉरनहाइट में भी जो रिलेशन बनता है वो 9/5 टाइम्स जो है वो फॉरनहाइट बनता है। अब इस वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है जी, देखो अब हमने ना 1 डिग्री सेल्सियस में चेंज किसके इक्वल है, अगर डिग्री सेल्सियस के ऊपर 1 का जस्ट चेंज आता है तो फॉरनहाइट स्केल के ऊपर कितना चेंज आएगा, 9/5 का चेंज आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 45 अगर डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है सेल्सियस स्केल के ऊपर, तो फॉरनहाइट स्केल के ऊपर जो है वो कितना चेंज आएगा, 9/5 मल्टीप्लाई बाय 45, 5 इससे कैंसिल्ड हो गए, क्या आएगा जी, 9 9 9 81। इसका मतलब आंसर आपका 81 आएगा फॉरनहाइट का। तो इसको हम कहते हैं कंपैरिजन वाला क्वेश्चन। और बाकी कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चन है वो इजीली हो सकता है, आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे क्वेश्चन है जी डिग्री सेल्सियस और फॉरनहाइट जो है वो रीडिंग किस रीडिंग पे सेम जो है वो सेम रीडिंग शो करते हैं, किस टेम्परेचर पे सेम रीडिंग शो करते हैं, ये केमिस्ट्री में भी आपको क्वेश्चन है। इसको जो है आप ऊपर वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, डिग्री सेल्सियस 5/9 और फॉरनहाइट -32, आप फॉरनहाइट और डिग्री सेल्सियस दोनों की जगह टेम्परेचर लिखते हैं, जो कि वो कह रहा है इट शो सेम रीडिंग, तो यहाँ भी टेम्परेचर टी आ जाएगा, यहाँ भी टेम्परेचर टी आ जाएगा। आगे आप इसको सॉल्व कर लेना है, 9 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ये 5 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 5t -140 हो जाएगा। बाकी आप इसको सॉल्व करें, यू विल गेट आंसर जो है वो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई 160 हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनली आंसर आएगा वो आएगा जी टेम्परेचर इज इक्वल टू -40। तो -40 टेम्परेचर के ऊपर जो है जो रीडिंग है सेल्सियस स्केल की और फॉरनहाइट स्केल की जो है वो दोनों सेम रीडिंग शो कर रहे होते हैं।
अच्छा ये है टेम्परेचर स्केल्स। तो एक दफा आपने टेम्परेचर स्केल्स रिवाइज करना है, मैंने दो बातें यहाँ की हैं, कन्वर्जन वाला क्वेश्चन और कंपैरिजन वाला क्वेश्चन। कंपैरिजन में आपने क्या देखना है, नंबर ऑफ डिवीजंस। देखो सेल्सियस स्केल के ऊपर नंबर ऑफ डिवीजंस कितनी है, 100, फॉरनहाइट पे 180 और केल्विन पे 100। तो ये मैंने कंपेयर किया उनकी नंबर ऑफ डिवीजंस को। तो जो टेम्परेचर चेंज आपने जो है वो कंपेयर करने होते हैं वो इस फॉर्मूले से करने होते हैं। और जो कन्वर्जन वाला है वो स्केल माइनस उसका आइस पॉइंट यानी फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजंस। तो किसी भी दो स्केल को आप उसे कंपेयर कर सकते हो। बेसिक इन्फॉर्मेशन के जो क्वेश्चन हैं ये वाले, ये भी आप लोगों ने एक नजर गो थ्रू करना है। 1 कैलोरी जो है वो कितना होता है, 4.2 जूल के इक्वल होता है। ये वैसे यूनिट्स वाले टॉपिक में भी आपको बताया था। एब्सोल्यूट जीरो क्या टेम्परेचर होता है, एट विच द गैसेस रिमेन इन गैसेस फॉर्म एग्जर्ट जीरो प्रेशर एंड जीरो हैव नो वॉल्यूम। और जैसे यहाँ से हमें पता चला कि जी जो डिग्री सेल्सियस स्केल है वो फॉरनहाइट से कितना बड़ा होता है, 9.5 टाइम्स से लार्जर होता है। ये जो है वो आपने यहाँ पर याद रखना है। ठीक हो गया जी। सेल्सियस और केल्विन स्केल कैसे करेंगे, सेल्सियस और को केल्विन स्केल में कन्वर्ट जो है वो बड़ा इजी है। ये जैसे मैंने यहाँ बताया कि आप कन्वर्जन अगर कर रहे हो तो कन्वर्जन है तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। आप देखें ना इन दोनों को कंपेयर करें, 100 100 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। डिग्री सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 हो जाएगा। ये तो इजी है। सो अगर कंपेयर करना है तो कंपेयर किया तो 1 अगर चेंज डिग्री सेल्सियस में आ रहा है तो केल्विन में भी कितना आता है, 1। आपने पढ़ा हुआ है कि टेम्परेचर चेंज जो होता है वो केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में सेम होता है, इसी वजह से तो उनके नंबर ऑफ डिवीजन सेम होते हैं। केल्विन में भी 100 है, डिग्री सेल्सियस में भी 100 है। ठीक हो गया जी। अच्छा इसके बाद जो है वो अब हम प्रेशर ऑफ गैस जो है वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मतलब सेम रीडिंग किस टेम्परेचर पे होगी, हाँ जी सेम रीडिंग किस टेम्परेचर पे होगी आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं डिग्री सेल्सियस और केल्विन वाले फॉर्मूले में। यहाँ भी टेम्परेचर ले लें, इस पे भी टेम्परेचर ले लें, तो ये जो वो जो है वो आप कैलकुलेट करके देख लें कि अगर वो सेम आता है कि नहीं आता, जा रहा। अच्छा जी नेक्स्ट जो है हमारे पास, हाँ फॉरनहाइट और केल्विन जो है उसका हम टेम्परेचर चेंज जो है वो सेम रीडिंग के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो केल्विन और डिग्री सेल्सियस अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करते हो वैल्यू, यहाँ पर जो है यहाँ भी टेम्परेचर आ जाएगा, यहाँ भी टेम्परेचर आ जाएगा, तो टी टी से क्या हो जाएगा, माइनस, वो जीरो हो जाएगा काम। इसका मतलब है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर जो है वो रीडिंग जो है वो डिग्री सेल्सियस की और 273 की जो है वो सेम तो नहीं होती ना, तो वो नहीं आएगी, क्योंकि ये एक हाइपोथेटिकल टेम्परेचर होता है। ये जो केल्विन स्केल है इसका मतलब है इसकी रीडिंग जो है वो डिग्री सेल्सियस की सेम नहीं आएगी किसी भी टेम्परेचर के ऊपर। अच्छा जी नेक्स्ट अब हम मेन टॉपिक की तरफ आते हैं जो हमारा यूएचएस की तरफ से भी है, वो कौन सा है जी, आइडियल गैस और उससे प्रेशर ऑफ गैस जो है। अब आपने साथ साथ चीजें नोट डाउन भी करनी है। ये वैसे आपने जो है वो पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में भी, ये टॉपिक जो है जिसको आप केएमटी कहते हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। सबसे पहले जो है वो आइडियल गैस के अकॉर्डिंग, जो आइडियल गैस थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कहता है कि सारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स। ये कहता है लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं इन 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 अ फाइनाइट वॉल्यूम। तो कहते हैं जी आज सिंपल फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस जो है, अगर बहुत थोड़ा सा वॉल्यूम भी आप लेते हैं, दैट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है। और जैसे आप एवोगाड्रो नंबर पढ़ते हो कि 1 मोल ऑफ गैस से जो है वो किसके इक्वल होगा, 6.022×10^23 मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे एक 1 मोल ऑफ गैस में। सो लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन कंसिस्ट इन अ फाइनाइट वॉल्यूम। रैंडम मोशन, सारे के सारे कहते हैं जी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडम मोशन में होते हैं और एक कांस्टेंट स्पीड के साथ एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर जो है उनकी जो मोशन है वो कौन सी होती है, रैंडम। फिर अगर हम एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ आपका मॉलिक्यूल जो है उनका और डिस्टेंसेस को कंपेयर करें तो उनका जो साइज है वो क्या होता है, बहुत ही निग्लिजिबल साइज होता है। ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। आइडियल गैस या केएमटी काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ गैस के अकॉर्डिंग देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रेजेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। गैस मॉलिक्यूल्स के दरमियान किसी किस्म की कोई इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, और ओनली वन फोर्स एग्जिस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू केएमटी वो कौन सी होती है, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स कौन सी होती है, जब दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करेंगे
तो कोलियन के टाइम जो एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे होते हैं उसको कहते हैं हम इम्पल्सिव फोर्स, और उसी इम्पल्सिव फोर्स की वजह से प्रेशर ऑफ गैस डिवेल्प होता है, और फोर्स वो किसके इक्वल होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो इसके बाद कहते हैं जी कि यहाँ पर जो है ग्रेविटी डज नॉट इफेक्ट, क्योंकि मैस उसका क्या होता है, निग्लिजिबल साइज होता है, इस वजह से ग्रेविटी जो है वो उसके ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं रखती, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, आंसर करें जरा चैट में। अगर कोई आपसे पूछे, क्योंकि आपने ये केएमटी ऑलरेडी पढ़ी भी हुई है केमिस्ट्री में, आई होप सो आप ठीक आंसर देंगे। आइडियल गैस जब हम किसी को बोलते हैं, के एम टी के अकॉर्डिंग आइडियल गैस जो है, जैसे ये बिहेवियर ऑफ आइडियल गैस, तो कौन सी नेसेसरी कंडीशंस होंगी अंडर विच हम किसी गैस को आइडियल गैस बोल सकते हैं। सो प्लीज आंसर करें जरा शाबाश। अंडर विच कंडीशन जो है हम किसी गैस को जो है वो आइडियल गैस बोलेंगे। हाँ जी, सारी गैसेस आइडियल होती हैं, नो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ओबेज गैस लॉस, गुड, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, वेरी गुड जी, स्टैंडर्ड प्रेशर शुड बी ओबे ऑल गैस लॉस, ठीक है, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक हो गया। अच्छा ये देखें, ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर बोल रहे हैं ना, उसमें वो कहता है कि जो गैसेस होती हैं वो आइडियल बिहेवियर शो करती हैं एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, वो और चीज है ओबेज गैस लॉस। यस, अच्छा आप सुन ले गौर से, आप जो उसके रिजल्ट्स बता रहे हो के एम टी के अकॉर्डिंग जो है फिजिक्स की जो ये वाली थ्योरी अभी आपके सामने है, तो वो कौन सी गैस है जिसको हम आइडियल गैस बोलेंगे, उसमें कम से कम 3 पॉइंट जो है वो लाजमी होने चाहिए, कौन कौन से, नो इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस, देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मालिक्यूल्स, नंबर टू उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने क्या लेनी है, जीरो, और नंबर थ्री जो है उनमें कोलियन कौन से होने चाहिए, परफेक्टली इलास्टिक कोलियन। तो अगर किसी कंटेनर में हमने गैस रखी हुई है और उनमें कोलियन जो है वो परफेक्टली इलास्टिक कोलियन है, और देर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स, और उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम जीरो ले रहे हैं, हम कहेंगे तो वो गैस जो है वो कौन सी है, के एम टी के अकॉर्डिंग जो है वो आइडियल गैस है। बाकी जो है उसके जो आइडियल बिहेवियर हैं, जैसे वो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर जो आइडियल बिहेवियर शो करेगी, ठीक है जी, वो जो आइडियल गैस है वो सारे गैस लॉ को ओबे करेगी, चूंकि वो जो गैस लॉ वो सारे हमने ड्राइव ही किसके लिए किए, आइडियल गैस के लिए किए हैं, ठीक है जी। अच्छा अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेशर ऑफ गैस। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है प्रेशर ऑफ गैस जो है, अब इसमें बड़े इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस हैं, मतलब हम डायरेक्ट जो है वो अगर आप देखो, हाँ एक लास्ट पॉइंट ये नेक्स्ट पेज पे था, मॉलिक्यूल ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसकी वजह कि उसके ऊपर आप न्यूटन्स लॉ एफ इज इक्वल टू आप कह रहे हो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, तो ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस ओबे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इसको भी नोट डाउन कर लेना है। अच्छा जी, प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, अच्छा यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो जरा गौर से सुन लें, हमें ना प्रेशर ऑफ गैस अगर कैलकुलेट करना है तो यहाँ से जो आपके इंपॉर्टेंट जो है वो मल्टीपल चॉइस हो सकते हैं वो क्या होंगे। देखो हम कह रहे हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलाइजन होता है, तो सपोज करें एक हमारे पास एक एम मास का मॉलिक्यूल जो है बी एक्स स्पीड के साथ इस वॉल से दूसरी वॉल तक जाता है और जाके वहां पर कोलाइड करता है और कोलाइड करके वापस आ जाता है, तो आपसे अक्सर पूछा जाएगा कि ये बताओ कि अगर गैस मॉलिक्यूल कंटेनर में एक वॉल से कोलाइड किया, एक वॉल से उसने ट्रेवल करना शुरू किया, आके दूसरी वॉल से कोलाइड किया और वापस रिटर्न बैक हो गया, ये बताएं अब तो आपके पास जो है वो चेंज इन मोमेंटम जो है वो कितना आया, ये अक्सर क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है जी। तो जो बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो आंसर कर देते हैं जीरो, चूंकि जीरो आपका फेवरेट आंसर है तो आंसर जीरो नहीं है, और से सुने, चूंकि यहाँ पर जो है वो चेंज जो आता है वो डायरेक्शन में सिर्फ, क्योंकि इलास्टिक कोलाइजन में स्पीड तो चेंज होती नहीं है, तो चूंकि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑल मॉलिक्यूल्स अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो चेंज इन मोमेंटम है आप अगर उसको कैलकुलेट करेंगे चेंज इन मोमेंटम को, तो आप कैसे करोगे, फाइनल फाइनल मोमेंटम माइनस जो है क्या करोगे इनिशियल मोमेंटम, ऐसे ही फाइनल मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम आ जाएगा, ठीक हो गया,
अच्छा, जब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करोगे तो फाइनल मोमेंटम कितना है, ये इनिशियल मोमेंटम है एम वी एक्स, तो फाइनल मोमेंटम यहाँ कितना होगा, माइनस एम वी एक्स, तो वो आगा माइनस एम वी एक्स, तो फाइनल माइनस एम वी एक्स, इनिशियल एम वी एक्स, तो फाइनल माइनस इनिशियल जो है वो करोगे तो चेंज इन मोमेंटम आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस टू एम वी एक्स, अगर उसने वी एक्स गिवन है वी एक्स कर दें तो ये उसका आंसर आएगा, जीरो आंसर नहीं आएगा। ठीक हो गया, तो याद रख लें कि जब भी इस तरह का कंटेनर देके कहा जाए एक मालिक्यूल कोलाइड करके एक वॉल से दूसरी वॉल तक जाता है, वहां से कोलाइड करके वापस आता है, तो बताएं चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, आपने आंसर क्या करना है, जीरो, बिकॉज आपका जो फेवरेट आंसर है तो जीरो नहीं आना, क्या आना आंसर, माइनस टू एम वी, चूंकि सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है, स्पीड जो है वो चेंज नहीं होती। ठीक हो गया, चूंकि परफेक्टली लास्ट पे कोलिजन हो रहे हैं। इसके बाद अब आते हैं फोर्स, ये चेंज इन मोमेंटम नहीं है, ये फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम जो है, ये देखें जी, इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स जो है, असल में हम यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस फाइंड करना चाह रहे हैं, तो प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला जो है वो जरा गौर से सुनिएगा, वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक हो गया, चूंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो रहे हैं तो यहां पर हम फोर्स को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट जो है वो क्या आएगा, एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट जो है वो इसमें हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर यूनिट एरिया। अब देखो इसकी एक डेफिनेशन बन गई कि किसी भी कंटेनर में जो प्रेशर ऑफ गैस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया होगा, तो प्रेशर ऑफ गैस जो है इन अ कंटेनर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया होता है, उसको हम क्या बोल रहे होते हैं, प्रेशर ऑफ गैस के इक्वल बोल रहे होते हैं। ठीक हो गया, अच्छा यहाँ से फोर्स होगी डेल्टा पी ओवर टी, डेल्टा पी मैंने अभी बताया कैलकुलेट करके क्या आता है, माइनस टू एम वी डिवाइडेड बाय टी, यहाँ से डेल्टा टी आप कैलकुलेट कर लोगे तो डेल्टा टी जो है उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आपके पास फोर्स का आंसर आएगा एम वी एक्स स्क्वायर ओवर एल, और यहाँ से जो है चूंकि आप इसमें एक मालिक्यूल तो नहीं होता, एन नंबर ऑफ मालिक्यूल होते हैं, तो एन नंबर ऑफ मालिक्यूल्स के लिए जो आपकी फोर्स निकल आएगी वो एम एन इंटू वी एक्स, ये आपने कैलकुलेशन की हुई है, वी एक्स स्क्वायर ओवर एल निकल आएगी। मैं आगे आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है यहाँ समझाना सिर्फ ये था कि प्रेशर ऑफ गैस जो है वो कैसे कैलकुलेट किया गया था, आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो है वो आपको ऑलरेडी पता भी है। दो चीजें यहाँ इम्पोर्टेंट टू नो आपके लिए, ये चेंज इन मोमेंटम यहाँ जीरो नहीं होता, वो क्या आता है माइनस टू एम बी, और अगर यहाँ फोर्स जो है वो विद विच मालिक्यूल कोलाइड विद द वॉल वो किसके इक्वल होगी, माइनस टू एम बी, ये डेल्टा नहीं है, ये आपके पास क्या है फोर्स है, सो द फोर्स विद विच जो है वो मालिक्यूल कोलाइड जो है विद द वॉल वो क्या होगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है के इक्वल होगी, सो माइनस टू एम बी एक्स ओवर टी आ जाएगा, और डेल्टा टी जो है चूंकि स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, अगर यहाँ हम डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दें तो फोर्स एन मालिक्यूल्स के एक मालिक्यूल के लिए आप ये आ जाएगी, और एन मालिक्यूल्स के लिए आप उसको एन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पास्ट पेपर, वो जरा खोल लें, वो क्या होता है, आपके पास ना तीन तरह की जो है वो क्वेश्चन आ सकते हैं स्पीड से रिलेटेड, तीन तरह के क्वेश्चन स्पीड से रिलेटेड आ सकते हैं, कौन कौन से हैं जी, क्वेश्चन नंबर वन, अगर आपसे पूछे मीन स्पीड या एवरेज स्पीड जो है, मीन स्पीड या एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए जीरो। क्यों? क्योंकि एक कंटेनर में लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव कर रहे होते हैं, सो हम स्टैटिस्टिकली कह सकते हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स अप मूव कर रहे हैं उतने मॉलिक्यूल्स डाउनवर्ड मूव कर रहे होंगे, जितने राइट मूव कर रहे होंगे उतने लेफ्ट मूव कर रहे होंगे, इसका मतलब है ओवरऑल अगर एवरेज लें तो एवरेज जो है उनका क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है जी, तो एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो हम क्या लेते हैं, जीरो, लेकिन उनकी जो है वो मीन स्क्वेयर स्पीड जो है वो जीरो नहीं होती, या रूट मीन स्क्वेयर स्पीड जीरो नहीं होती, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम उन सब गैस मॉलिक्यूल्स का स्क्वेयर लेकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देते हैं, तो हमारे पास वो मीन स्क्वेयर स्पीड आ जाएगी, मीन स्क्वेयर स्पीड। अब देखिए आप नेगेटिव का भी स्क्वेयर लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, जैसे आप
आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करते थे करंट की, जिसको आप रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ करंट बोलते थे। सो याद रखें कि मीन एवरेज यानी मीन स्पीड ऑफ एवरेज वाले टूल जो है वो क्या होगी, वो जीरो होगी, ठीक है जी, वो आपके पास जीरो आएगी। लेकिन मीन स्क्वेयर स्पीड जो अगर लें तो सारे मॉलिक्यूल्स का स्क्वेयर लेकर आप डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज मीन स्क्वेयर स्पीड आ जाएगी। अगर दोनों तरफ मैं स्क्वेयर रूट ले लूँ तो उसको फिर आप कहेंगे वी आर एम एस। इसके ऊपर अगर हम स्क्वेयर रूट ले लें तो आपके पास रूट मीन स्क्वेयर स्पीड बन जाएगी। सो आपके पास वी आर एम एस आ जाएगा इज इक्वल टू वी वन स्क्वेयर वी टू स्क्वेयर प्लस वी थ्री स्क्वेयर अप टू सो ऑन। अच्छा, इसका एक क्वेश्चन भी यहाँ पर जो है वो एज ए ना एग्जाम्पल कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो कैलकुलेट करना आ जाए। अब जरा गौर से देखिएगा, अगर पेपर में आपको कहा जाए द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस हैविंग स्पीड जो है आपको स्पीड उसकी गिवन है क्या 2, 3, 4, 5, तो ये क्या कैलकुलेट करें, मीन स्क्वेयर स्पीड और रूट मीन स्क्वेयर स्पीड जो है वो कैलकुलेट करें। अब आपने क्या करना है, उसकी मीन स्क्वेयर स्पीड कैलकुलेट करनी है और रूट मीन स्क्वेयर स्पीड कैलकुलेट करनी है, ठीक है जी। आप जरा साथ साथ ट्राई करें सब लोग कि इसकी मीन स्क्वेयर स्पीड क्या आएगी और रूट मीन स्क्वेयर स्पीड क्या आएगी। अगर मीन स्क्वेयर स्पीड का ही है तो आपने क्या करना है, मीन स्क्वेयर स्पीड कैसे कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला होगा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, आप देखो सबका स्क्वेयर करना है, 2 का स्क्वेयर, ठीक है जी, प्लस क्या आ जाएगा 3 का स्क्वेयर, प्लस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 4 का स्क्वेयर, और प्लस जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 5 का स्क्वेयर, और डिवाइडेड बाय टोटल मॉलिक्यूल्स ये कितने हैं 4, ये आपके पास क्या आएगी, ये आपके पास आएगी मीन स्क्वेयर स्पीड। तो 2 का स्क्वेयर 4 और 9, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 16 जो है वो कितना हो जाएगा 29, 29 प्लस जो है वो 25 जो है वो कितना हो जाएगा आपके पास 44। तो ये जो है वो आपके पास ओवर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 4, इसको कैलकुलेट कर लें तो आपके पास जो है ये आपके पास मीन स्क्वेयर क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, आपके पास मीन स्क्वेयर स्पीड आ गई। लेकिन आपका जो है मीन स्क्वेयर स्पीड तो ये आपके पास आ गई, अगर आपसे उसने कहा मीन स्क्वेयर स्पीड कैलकुलेट करनी तो ये इतना ही आंसर है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहे जी रूट मीन स्क्वेयर स्पीड कैलकुलेट करनी है, फिर आपने दोनों तरफ क्या ले लेना है, स्क्वेयर रूट, फिर आपने इसको स्क्वेयर रूट के नीचे लिखना है, फिर आपका आंसर जो है वो यहाँ पर आपका वी आर एम एस आएगा, फिर आप इसको रूट मीन स्क्वेयर। अगर आपसे सिर्फ मीन स्क्वेयर स्पीड पूछा जाए तो फिर आपने सिर्फ स्क्वेयर लेकर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कर देना है, और अगर रूट मीन स्क्वेयर स्पीड पूछे जाए तो फिर दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेना है, फिर आप इसको वी आर एम एस कहोगे। तो ऊपर आपके पास 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 4 स्क्वेयर रूट। जैसे उसको आगे रीअरेंज करना है वो आप रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। सो ये दोनों में फर्क याद रखना है, पेपर में जो है वो क्लैरिटी होनी चाहिए आपके स्टेटमेंट में तो उसने मीन स्क्वेयर स्पीड पूछी है या रूट मीन स्क्वेयर स्पीड पूछी है, ठीक हो गया। अच्छा, वी आर एम एस ऑफ गैस, ये बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस है, ये इन्फॉर्मेशन में जो गिवन है, वी आर एम एस ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स डिपेंड ऑन मैस ऑफ द गैस एंड इट टेम्परेचर। वी आर एम एस दोनों चीजों पर डिपेंड करती है, मैस ऑफ द गैस के ऊपर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड भी करती है, ये अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे। दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन है, एवरेज स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है 461 और नाइट्रोजन जो है वो 493 होती है। ये एवरेज स्पीड किसको कह रहा है, जब यहाँ एवरेज स्पीड जो है वो हम कह रहे हैं रूट मीन स्क्वेयर स्पीड को कह रहे हैं, ये वाली जो है, ठीक है। वैसे तो मीन स्पीड उसकी क्या ले रहे होता है, वो जीरो ले रहे होता है, ठीक हो गया। किसी कंटेनर में अगर कोई गैस इनक्लोज हो तो उसके रूप में हम उसकी मीन स्पीड क्या कहेंगे, जीरो कहेंगे, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, अभी जो है जो टाइम है वो अप होने वाला, मैं दोबारा से रिकनेक्ट करता हूँ और आगे हम फिर प्रेशर ऑफ गैस है उसको डिस्कस करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, दोबारा जो है इसको कॉन्टेक्ट करते हैं, जल्दी कीजिएगा साथ साथ जो है दोबारा, ताकि जो है वो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, वेट ना करना पड़े मुझे भी, हम चूंकि टॉपिक आज लेंथी है तो जल्दी जल्दी आपने रिकनेक्ट करना। पूछा जाए नेक्स्ट जो है जी, अब टॉपिक मेन जो है वो हमारा कौन सा है, प्रेशर ऑफ गैस, इसको जरा डिस्कस कर लेते हैं। प्रेशर ऑफ गैस जो है ये आपके बुक के अकॉर्डिंग जो है वो इसमें कहता है जी कि पेज 240 के ऊपर द बाय पास्कल्स लॉ प्रेशर कहता है जी
एवरीवेयर इन साइड द कंटेनर विल बी सेम प्रोवाइडर द गैस ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। अगर गैस यूनिफॉर्म डेंसिटी की होगी तो फिर जो है वो प्रेशर जो है वो हर जगह जो है गैस जो है वो इक्वली जो है इन ऑल डायरेक्शन जो है वो एग्जर्ट करेगी। तो इसका मतलब है हम तीन डायमेंशन ले रहे होते हैं एक्स वाई और जी। इसका मतलब है जो टोटल प्रेशर जो है वो आपके पास 1/3 टाइम्स ऑफ रो वी स्क्वायर होता है। ये आपका बेसिक फॉर्मूला आता है। अब यहाँ नोट करनी है चीजें, ये जो फॉर्मूला है प्रेशर ऑफ गैस का, इसको हम कहते हैं बेसिक फॉर्मूला फॉर द प्रेशर ऑफ गैस जो है बाय ये, चूंकि हमने जो ये फॉर्मूला कैलकुलेट किया है ये यूजिंग काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस जो है उसको लिया किया है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है फॉर द प्रेशर ऑफ गैस जो है जो कि हमने फाइंड आउट किया था यूजिंग KMT यानी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। तो ये बेसिक फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग इस बेसिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो प्रेशर ऑफ गैस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जो है वो मीन स्क्वेयर्ड स्पीड है। इसके अकॉर्डिंग जो है वो प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वेयर्ड स्पीड है। और प्रेशर ऑफ गैस इसके अकॉर्डिंग हम अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है गैस की तो हम कह सकते हैं प्रेशर ऑफ गैस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वेयर का क्या आएगा होल स्क्वेयर। तो ये दो चीजें याद रखनी है कि प्रेशर ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन स्क्वेयर स्पीड होता है, या हम कह सकते हैं प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी आर एम एस का होल स्क्वेयर। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जी। अच्छा यहाँ से आप देखो कि वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या आ गया, ये सारे जो है वो फॉर्मूले हैं जो आपको डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में काम आने आगे और इनको आपने जो है वो लर्न करना है। तो यहाँ से वी आर एम एस इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ गया, 3P ओवर रो। यहाँ से वी आर एम एस हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। सो अगर कभी आपसे कहा जाए एक गैस है उसका प्रेशर 4 times हो गया तो वी आर एम एस स्पीड कितने टाइम्स हो जाएगी, वो डबल हो जाएगी। इसी फॉर्मूले से जो वी आर एम एस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी होती है एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट रखा जाए तो वी आर एम एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी होगी। ये फॉर्मूले आपने पहले एनालाइज करने हैं, इनको अच्छे से लर्न करना है ताकि आगे न्यूमेरिकल्स में काम आ सके। फिर यहीं से आपने कैलकुलेट किया था ये बेसिक फॉर्मूला प्रेशर ऑफ गैस का, और बेसिक फॉर्मूले से जो है आपने क्या किया दोनों तरफ जो डेंसिटी की वैल्यू पुट कर दी। डेंसिटी की वैल्यू क्या पुट की थी, मास ओवर वॉल्यूम, और डेंसिटी की यहाँ वैल्यू एन मॉलिक्यूल्स के लिए आपने पुट की थी एन मल्टीप्लाई बाय मास ओवर वॉल्यूम। यानी कि एक सिंगल मॉलिक्यूल्स के लिए जो है वो डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, तो एन मॉलिक्यूल्स के लिए जो डेंसिटी होगी वो एन एम ओवर वी होगी। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा प्रेशर ऑफ गैस का। और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है उसको हम एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। जहां भी एन नॉट लिखा आएगा इसका मतलब होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और ये आपके पास जो है वो मास 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो आपके पास जो प्रेशर ऑफ गैस के बेसिक फॉर्मूले के बाद जो दूसरी इक्वेशन आपने याद रखनी है वो ये वाली है कि प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। अगर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस जो है वो डबल हो जाती है तो प्रेशर भी उसके अकॉर्डिंग डबल हो जाएगा। एवरेज काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी तो ये भी हाफ हो जाएगी। तो कहता है व्हाइल ड्राइविंग इक्वेशन ऑफ प्रेशर वी हैव नॉट अकाउंटेड रोटेशनल वाइब्रेशनल मोशन, इस वजह से हम इसको बार बार बोल रहे होते हैं एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें मोशन रैंडम होती है, और उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी मोशन ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी भी होते हैं, लेकिन हम उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आइडियल गैस के लिए हम उसकी मोशन को लीनियर सपोज कर लेते हैं, इसलिए हम उसको ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे कि जो प्रेशर ऑफ गैस है, देखो ना आपने जब कैलकुलेशन की थी प्रेशर ऑफ गैस की तो आपने तीन एक्सेस लिए थे, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस। तो हम जो है उसकी मोशन को लीनियर मोशन कंसीडर कर रहे होते थे अलोंग एक्स एक्सेस, अलोंग वाई एक्सेस, अलोंग जी एक्सेस। इस वजह से इसको हम एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कह रहे होते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट जो है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपने इसको कैलकुलेट किया, और इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जी आपने पी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको हम कहते हैं जनरल गैस लॉ। और यहाँ एन जो किसके इक्वल होता है, स्मॉल एन यानी नंबर ऑफ मोल्स जो होते हैं वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एन यानी टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ आर जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन।
और एवोगैड्रो नंबर यू डू नो वो क्या होता है 6.02 × 10²³। अच्छा यहाँ पर अगर हम स्मॉल एन की वैल्यू पुट कर देते हैं, एन ओवर एन ए हो जाएगा, तो एन इधर आ जाएगा आर ओवर एन ए। अब आर ओवर एन ए ये यहाँ से काफी दफा एमसीक्यू आ चुका है, आर ओवर एन ए किसके इक्वल होता है, के के इक्वल होता है, और इसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं, और इसकी वैल्यू 1.38 × 10²⁷ जूल पर केल्विन होती है। तो ये चीजें याद रखने वाली हैं। अच्छा ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम इक्वेशन नंबर, लेट से मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर टू, ठीक है जी, ये जो ऊपर हमने पढ़ी थी इसको कह देते हैं लेट से हम इक्वेशन नंबर वन। अच्छा अब यहाँ से देखो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम अगर दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाए मल्टीप्लाई हो जाए, तो इधर आके अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और यहाँ सिर्फ रह जाएगा एन, यहाँ सिर्फ एन रह जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर वन बन गई। आपने इक्वेशन वन और टू को क्या करना होता है, कंपेयर करना होता है, और कंपैरिजन के बाद जो आपके पास आंसर आता है, ये इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर कौन सी टू। तो अब देखो ये एन उधर जाके क्या, पी वी उधर जाके क्या हो गया, पी वी। अगर वन और टू कंपेयर करें, कंपेयर करने का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी आपकी इक्वल होगी, तो यहाँ से जो है वो टेम्परेचर आपके पास क्या आ जाता है 2/3 K × एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, और ये आपके पास शो कर रहा है टेम्परेचर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा यहाँ से ना नंबर ऑफ टाइम एक क्वेश्चन आता है, आमतौर पर इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल नहीं आता, बल्कि ये रिलेशन अक्सर पूछा जाता है कि काइनेटिक एनर्जी किसकी इक्वल होती है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें काइनेटिक एनर्जी या एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या बनती है, डेट इज 3/2 KT के इक्वल बनती है। तो ये 3/2 KT के इक्वल आएगी, ये जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पर देखो कि जो वी आर एम एस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब है अगर टेम्परेचर 4 times आप कर देते हो, हाँ एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, यहाँ जो कैपिटल टी है, टी जब बार बार हम बात कर रहे हैं ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम ले रहे हैं, टेम्परेचर हमेशा यहाँ जब भी थर्मोडायनेमिक्स में लेना है आपने हमेशा केल्विन में लेना है, तो अगर टेम्परेचर हम जो है वो 4 times कर देते हैं तो वी आर एम एस कितना हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये सारे जब आप एक दफा फॉर्मूले रिवाइज कर चुके हों फिर आपने जो आना है इनके मल्टीपल चॉइस की तरफ। एक दो और चीजें हैं वो भी हम जरा डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर जो है। अच्छा जी इसमें गौर करें तो हमारे पास जो है ये जो प्रेशर जो है वो देखें यहाँ पर जो है हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है और मोल्स जो है वो एन इज इक्वल टू हम मैस और मोलर मैस, ये भी होता है ना फॉर्मूला हमारे पास, तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, एन की जगह हम अगर क्या लिख दें एम ओवर कैपिटल एम, तो ये आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा प्रेशर जो है वो ऑफ गैस जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा एम ओवर एम इंटू आर टी, यहाँ से जो वॉल्यूम है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें, तो एम ओवर वी, एम ओवर वी किसको बोलते हो डेंसिटी को, तो डेंसिटी भी यहाँ लिख सकते हैं आर टी ओवर एम, आर टी ओवर एम जो है वो यहाँ से आगे कैलकुलेट करें, तो यहाँ से कहते हैं जी अगर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हो तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है डेंसिटी, ये देखें इसके अकॉर्डिंग अगर हम टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख लें तो और मोलर मास कॉन्स्टेंट रख लें तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इसी तरह से वी आर एम एस जो है वो स्क्वायर रूट 3 P/ρ हम ऊपर बात कर चुके हैं, तो डेंसिटी यहाँ किसके इक्वल आ गई एन एम ओवर वी मास ओवर वॉल्यूम, एन इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम ले रहे होते हैं, तो मैं अगर डेंसिटी की यहाँ वैल्यू पुट कर दूँ तो वो मेरे पास बनेगी पी वी ओवर एन एम, और यहाँ से जो है वो 3 × ये देखें यहाँ इसके अकॉर्डिंग जो है अगर हम देखें तो पी वी की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं एन के टी डिवाइडेड बाई एम, तो ये आपके पास फॉर्मूला बन गया 3 KT। ये सिर्फ डेरिवेशन दी हुई है, आप अगर चाहें तो ये बीच में सारे स्टेप्स छोड़ दें, आपने सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है कि आपके पास जो वी आर एम एस का 2 फॉर्मूले बेसिक जो यहाँ से आपको आने चाहिए, एक आपका वी आर एम एस का फॉर्मूला जो है ये वाला स्क्वायर रूट 3 P/ρ होता है, और दूसरा वी आर एम एस जो ऑल्सो 3 KT डिवाइडेड बाई एम होती है, मतलब जो आर एम एस स्पीड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर भी होती है, और वी आर एम एस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर भी होती है। अच्छा अब इससे रिलेटेड ना कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं एमसीक्यूज की, ताकि ये फॉर्मूले आपको यूज करना भी आ जाए और आपको क्लियर हो कि कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, तो साथ साथ जरा देखते जाए फॉर्मूला आप भी जो है वो कोशिश करें। कहते हैं जी अब जरा वर्डिंग पर गौर करना,
कहता है जी मीन स्क्वेयर स्पीड जो है, अगर मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ ऑक्सीजन गैस एट रूम टेम्परेचर जो है वो 500 मीटर पर सेकंड है, तो ये बताएं कि मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर क्या होगी, ये क्वेश्चन है जी। तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है जी, आपने फौरन देखना है कि ये किन दो गैसेस को कंपेयर कर रहा है। जब भी दो गैसेस को कंपेयर करना हो तो हमने वहां पर क्या देखना होता है, वहां पे हमने डेंसिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो देखना होता है। तो चूंकि वी आर एम एस जो है वो किसके इक्वल है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, स्क्वेयर रूट ऑफ डेंसिटी। तो यहाँ से जो है वो, चूंकि आप देखो चले इसको मैं ना कंप्लीट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, जरा गौर करें। हम इसको सॉल्व करेंगे कि वी आर एम एस जो है, या उसने पूछी किसने हाइड्रोजन में स्पीड, तो मैं अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग दोनों को कंपेयर करूं तो हाइड्रोजन में स्पीड डिवाइडेड बाय किसकी स्पीड, ऑक्सीजन की स्पीड किसके इक्वल आ जाएगी, स्क्वेयर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ क्या आ जाएगी, हाइड्रोजन। ठीक हो गया। अच्छा आप देखो, हमारे पास सिंस जो डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है वो किसके इक्वल होती है, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन होती है 4 टाइम्स एज, बल्कि 16 टाइम्स होती है, 16 टाइम्स होती है एज दैट ऑफ हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की जो डेंसिटी है वो हाइड्रोजन की डेंसिटी से कितने टाइम्स होती है, वो 16 टाइम्स होती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है वो आपका आ जाएगा अंडर रूट 16, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट 16 जो है वो किसके इक्वल होता है, 4 के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो हाइड्रोजन में स्पीड है वो 4 टाइम्स एज दैट ऑफ क्या आ जाएगी, ऑक्सीजन। तो यहाँ पर जो है 500 मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो आपका आंसर यहाँ किसके इक्वल आ जाएगा, 2000 मीटर पर सेकेंड के इक्वल आंसर आएगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास वी आर एम स्पीड है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, तो हाइड्रोजन में जो वी आर एम एस होगी डिवाइडेड बाय ऑक्सीजन में, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑक्सीजन की डेंसिटी डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन की डेंसिटी। ऑक्सीजन की डेंसिटी जो है वो 16 टाइम्स होती है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, तो यहाँ जब पुट करेंगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 टाइम्स आंसर आ जाएगा, तो आपके पास आंसर बनेगा 4। तो वी वेलोसिटी इन हाइड्रोजन जो है वो इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी इन ऑक्सीजन आ जाएगी। आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, तो इसमें आपके पास जो आंसर आ जाएगा जी 2000। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है जी, इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डबल्ड कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट, देन जो है वो कहता है जी कि आप ये बताएं वी आर एम एस मॉलिक्यूल्स बिकम्स, अच्छा इसके अकॉर्डिंग जो है प्रेशर जो है वो टेम्परेचर ऑफ गैस मॉलिक्यूल कह रहा है डबल हो जाए, तो ये बताना है प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखते हुए वी आर एम एस ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो कितने टाइम्स हो जाएगी। अच्छा अगर हम टेम्परेचर डबल करेंगे तो ये, अच्छा ये तो इनडायरेक्टली आंसर लिखा हुआ ना, हम डायरेक्ट इसकी बात कर ले, ये वाला जो आंसर है इनडायरेक्टली लिखा हुआ है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन हम जो डायरेक्ट फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं जो अभी हमने जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट किया था, ये वाला। ये इसीलिए मैंने आपको जो है वो यहाँ ड्राइव करवाया कि वी आर एम एस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसको मैं इधर लिखता हूँ, इसमें हमें जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें जी, हमारे पास ये सारा डिलीट हो गया, हाँ जी इसको जी, अब ये हमारे पास फॉर्मूला बन, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर आप और करें तो हमारे पास वी आर एम एस जो है वो किसके इक्वल है, वी आर एम एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया, इसलिए वो मैंने उसकी डेरिवेशन लैदा करवाई हुई है। तो इधर से अगर गौर करो तो अगर टेम्परेचर जो है वो डबल कर रहा है, टेम्परेचर डबल करने से जो है वी आर एम एस कितने टाइम्स हो जाएगी, वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 टाइम्स हो जाएगी, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स आंसर आएगा, रूट 2 टाइम्स होगा। आगे जो है ये बड़े सिंपल क्वेश्चन है जी, कहते हैं जी इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज इंक्रीज फॉर 27 डिग्री सेल्सियस टू 127 डिग्री सेल्सियस, देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। सबको पता है कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अब जब रेशियो लोगे आप, तो मैंने शुरू में कहा है कि जितने भी टेम्परेचर हैं वो हमेशा केल्विन में लेने हैं, तो आपने 27 और 127 नहीं कर देना, अब 27 में और 127 में आप ऐड करोगे 273 ताकि आपकी वैल्यू किस में चेंज हो जाए, केल्विन में।
27 का जो है आंसर आएगा 300 केल्विन, 127 का आएगा 400 केल्विन, आपका आंसर जो है वो क्या आएगा 3:4। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन कहता है टेम्परेचर एट व्हिच रूट मीन शेयर गैस जो है वो डबल हो जाए देन इट्स स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस, और इसमें भी आपने जो है वो केल्विन वाले फॉर्मूले यूज करने हैं और इसमें देखें कैसे सॉल्व होगा। चूंकि हमें पता है वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर है, तो इसमें कह रहा है कि एट विच टेम्परेचर वी आर एम एस स्पीड जो है वो बिकम्स टू टाइम्स जो है एज डेट ऑफ स्पीड एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब मैं इसको सॉल्व करने लगा हूँ देखें, तो हमें जो है वो कहता है जो v है जो स्पीड है जो t टेम्परेचर पे है डिवाइडेड बाय वो स्पीड जो 0 डिग्री सेल्सियस पे है किसके इक्वल होगा, t यानी के फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय इनिशियल टेम्परेचर, उसको हम बोल देते हैं t नॉट। ठीक हो गया, ये अब आपके पास फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पर। अच्छा गौर करें आप जरा कंडीशन पे गौर करें, कंडीशन है क्या, कंडीशन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि वी आर एम एस जो है कहता है द टेम्परेचर एट विच वी आर एम एस गैस बिकम्स डबल एट इट्स स्पीड 0 डिग्री सेल्सियस, डबल हो जाए ओरिजिनल का डबल हो जाए, तो मैं टू वी टी की जगह क्या लिखूंगा टू वी नॉट डिवाइडेड बाय वी नॉट, यानी वो कह रहा है ओरिजिनल का डबल हो जाए और हमें यहाँ पर टेम्परेचर फाइंड करना है कौन सा टी टेम्परेचर फाइंड करना है, जबकि इनिशियल टेम्परेचर टी नॉट इनिशियल टेम्परेचर कितना बताया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस कितना होता है जी 273 यहाँ पुट करेंगे। टेम्परेचर हमेशा केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में कभी गलती नहीं करनी। वी नॉट से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, दोनों तरफ स्केयर लोगे तो आपके पास 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा टी ओवर 273, तो यहां से आपके पास आंसर जो है वो टी इज इक्वल टू 273 मल्टीप्लाई बाय जो है वो क्या आ जाएगा 4, और जब 273 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे आपका आंसर 1132 केल्विन आ जाएगा। लेकिन अगर डिग्री सेल्सियस में आंसर पूछा हो तो 1132 माइनस 273 करेंगे आपका आंसर 819 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक हो गया, सो ये वाला देखें क्वेश्चन जो है इसको इस तरह से सॉल्व करना है, और फॉर्मूला कौन सा है वी आर एम एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है जी, इसी तरह से जो है वो नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अक्सर जो है वो आपको पास पेपर में क्वेश्चन नजर आएगा। नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन है के जी आपके पास जो है ये जरा इस क्वेश्चन को जरा देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन है जी अब बड़ा सिंपल, यहाँ पर कहता है द मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बिकम्स डबल, देन आपने बताना है कि प्रेशर ऑफ गैस क्या होगा, और मोस्टली स्टूडेंट का आंसर जो है वो रॉन्ग होता है। हमें पता है कि प्रेशर ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है मीन स्क्वेयर स्पीड। अगर आप ये देखो ये वाला जो यहाँ पर फैक्टर है ना, ये सारा का सारा फैक्टर मीन स्क्वेयर स्पीड को शो कर रहा है। अगर आप मीन स्क्वेयर स्पीड डबल करेंगे तो प्रेशर भी डबल हो जाएगा, मीन स्क्वेयर स्पीड हाफ करेंगे प्रेशर भी हाफ हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आना है टू टाइम्स। लेकिन अब जरा गौर से देखें, मैं अगर इस क्वेश्चन में यहाँ एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, मैं वर्ड ऐड करता हूँ, सिर्फ एक वर्ड में ऐड करने से क्वेश्चन जो है वो आपका चेंज हो जाएगा। क्या मैं लिखता हूँ इफ रूट, अब मैंने वर्ड ऐड कर दिया रूट, तो इफ द रूट मीन स्क्वेयर स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स आर डबल देन प्रेशर कितना होगा, फिर आप जरा गौर करें, फिर फॉर्मूला अप्लाई होना है पी प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, फिर होता है वी आर एम एस का होल स्क्वेयर, फिर ये फॉर्मूला लगना है। तो फिर चूंकि वो आर एम एस को डबल कर रहा है तो मैं फिर टू इस ब्रैकेट के अंदर लगाऊंगा, तो वो वी आर एम एस यानी रूट मीन स्क्वेयर स्पीड का डबल हो जाएगा, फिर आंसर आपका क्या आएगा 4 टाइम्स, जो कि 2 का स्क्वेयर 4 होता है, फिर आपका प्रेशर जो है इस क्वेश्चन का आंसर फिर जो है वो 2 टाइम्स नहीं आना, फिर आंसर क्या हो जाएगा 4 टाइम्स आंसर आएगा। अच्छा अगर मैं यहाँ पर रूट नहीं लगाता, फिर आपका मीन स्क्वेयर स्पीड है, तो आप देखो ये सारे को मीन स्क्वेयर स्पीड कह रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर 2 ब्रैकेट के अंदर नहीं लगेगा, फिर 2 जो है वो यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर लगेगा, फिर आपका आंसर जो है वो यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो आंसर 2 जो है वो फिर मैंने कहाँ लगाना है
मैंने टू इधर लगाना है बाहर, ब्रैकेट से बाहर, तो फिर आपका जो है अगर मीन स्क्वेयर स्पीड डबल कर रहे हैं प्रेशर भी डबल हो जाएगा, मीन स्क्वेयर स्पीड हाफ कर रहे हो प्रेशर भी हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर वो कह रहे रूट फिर आपने टू ब्रैकेट के अंदर लगाना है तो टू का स्क्वेयर फोर हो जाएगा, फिर आंसर फोर टाइम्स आ जाएगा। तो जरा गौर करें क्वेश्चन जो है वो किस लेवल के आते हैं, आपने इसी लेवल की प्रिपरेशन करनी है ताकि आपका आंसर वहां पर। अब मोस्टली स्टूडेंट का इसका आंसर फोर टाइम्स होता है, तो डेट इज रॉन्ग। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, टू टाइम्स। लेकिन अगर यहाँ वर्ड रूट एड हो जाए फिर आंसर क्या है, फिर आंसर फोर टाइम्स है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट डेरिवेशन ऑफ गैस लॉस फ्रॉम जो आपके पास है वो आपने जो है वो कैसे की थी, और इंटरनल एनर्जी लास्ट टॉपिक हम कल इंशाल्लाह इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, अभी जो है वो हम इसको आज यहीं तक रखेंगे, जो गैस लॉस हैं और प्रेशर ऑफ गैस, ताकि आप इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकें। चार्ल्स लॉ आपको सबको पता है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या होता है, कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड नंबर ऑफ मोल्स, और यहाँ से वॉल्यूम इज इक्वल टू 3 Np ओवर क्या होता है, इक्वल टू वन बाय टू एम बी स्क्वेयर यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है टेम्परेचर तो ये आपके पास जो है वो चार्ल्स लॉ बनता था इसके अकॉर्डिंग जो हम कह सकते हैं वी वन ओवर टी वन इज इक्वल टू वी टू ओवर टी टू इसी तरह से जो है बॉयल्स लॉ आपने फाइंड किया प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स जो है यहाँ से पी वी इज इक्वल टू टू बाई थ्री एन इन टू वन बाय टू एम बी स्क्वेयर ये उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट किया करते थे। अगर हम यहाँ टेम्परेचर इसकी जगह टेम्परेचर लिख दें तो राइट हैंड साइड सारी कॉन्स्टेंट आ जाएगी, तो यहाँ से हम प्रूव कर देते थे पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो सिर्फ यहाँ पर यू जस्ट नीड टू नो द फार्मूलाज वो ऑलरेडी आपको आते हैं, बॉयल्स लॉ का भी और चार्ल्स लॉ का भी, ये फार्मूले आपने याद करने हैं। हाँ, यहाँ जो कर्व है ये ऑलरेडी आपको पता होगा, अगर प्रेशर और वॉल्यूम का कर्व हो तो फिर ये वाला जो कर्व बनता है इसको हम कहते होते हैं आइसोथर्म, आइसोथर्म। अच्छा, समटाइम्स ऐसा होता है कि एग्जामिनर ना आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है वो क्या करता है कि जो एक्सेस है उसको चेंज कर देता है, यहाँ प्रेशर आ जाएगा, यहाँ वन बाई वी आ जाएगा, वन बाई वी आ जाए, क्योंकि प्रेशर फिर हम कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई वी है, फिर आपकी स्ट्रेट लाइन आएगी। तो यहाँ गौर से देखना है, अगर जो है प्रेशर और वन और वी के दरमियान ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन आएगा, अगर प्रेशर और वी के दरमियान ग्राफ है फिर ये कर्व लाइन आएगी, इसको हम आइसोथर्म बोलते हैं। और ये जो आपके पास चार्ल्स लॉ है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इसका जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन ही आता है। ठीक हो गया, आज के लिए इतना काफी है, आपने इसको रिवाइज करने, अभी क्वेश्चन आंसर है का सेशन है, आप जो जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं।